नमस्कार, स्वागत है आपका नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भव्य नर्सरी में। अब आज हम आपको लेकर आए हैं एक और अच्छी जगह कैमरामैन धवल के साथ। आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे बोनसाई। ये प्लांट का नाम है एडेनियम ओबेसम इसका बोटेनिकल नेम है और एडेनियम इसे नॉर्मली बोला भी जाता है। डेजर्ट एरिया से आता है, कई अफ्रीका ट्रॉपिकल अफ्रीका से बिलोंग करता है। कई लोग इसे डेजर्ट रोज़ के नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डेजर्ट में ग्रो होता है। ये बेसिकली इसका नाम है क्योंकि इसके फ्लावर्स कुछ स्पेशल दिखते हैं, कुछ रोज से सिमिलर इसका कलर आता है, इसलिए इसे डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। ट्रॉपिकल अफ्रीका का ये प्लांट है, लेकिन जापान में इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है क्योंकि जापान बोनसाई के लिए फेमस है और एडेनियम अपने आप में नेचुरल बोनसाई है। ये प्लांट बहुत स्लो ग्रोथ करता है, एक साल में मैक्सिमम ग्रोथ अगर देखने को मिलेगी तो 12 इंचेस, 3-4 साल तक ये अपनी 14 इंचेस ग्रोथ कवर कर पाता है। लेकिन जब भी आप इस प्लांट को ग्रो कीजिए तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आप या तो सीमेंट वाले पॉट्स का इस्तेमाल करें या क्ले पॉट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी रूट काफ़ी डीप जाती है। और उससे भी ज़रूरी है कि आप वाइड पॉट, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला पॉट देख रहे हैं, थोड़ा वाइड पॉट्स का इस्तेमाल करें जिससे इसकी रूट्स को फैलने का मौका मिले। इंडिया में इसे एक और अलग नाम से जाना जाता है, उसके लिए आप ये वाला प्लांट देखें। इसे गणेश चंपू के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसकी जो रूट्स का आकार है वो लॉर्ड गणेश की तरह दिखता है, इसलिए इसे गणेश चंपू के नाम से जाना जाता है। चंपू एक्चुअली इसका नाम आया है, जो प्लूमेरिया जो प्लांट आता है उसकी लीव्स की जैसे ही इसकी लीव्स देखने को मिलती है, इसलिए इसे गणेश चंपू के नाम से जाना जाता है। और एक बेहतरीन बोनसाई है, आप अगर घर पे उगाओगे एक अलग ही फील आएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे डेकोरेटेड प्लांट है, ज़्यादा फ्लावर्स नहीं आते। आप इसे वैसे तो ये सन लविंग प्लांट है, लेकिन आप इसे होम अंदर इंडोर में यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ देखने को मिलती है। ज़्यादा ये फैलता नहीं है अगर आप इसे पॉट्स में इस्तेमाल करो। मैक्सिमम इसकी हाइट 6 फीट तक जाती है, और लेकिन आपको ये ब्यूटी में नंबर 1 पर रखने को मिलेगा। तो ऐसी ही और बातों के साथ फिर से लौटेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।